वाराणसी में जिला अदालत ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जाने की याचिका पर जिला अदालत का फैसला टल गया है। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। इस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने के बीच में एक शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताता है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक जांच कराई जाए। इसके साथ ही उनकी यह भी मांग है कि इसके लिए शिवलिंग को किस तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसका मकसद ये पता करना है कि यह फव्वारा है या शिवलिंग, इसलिए कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिक साक्ष्य मिलेगा। दोनों पक्षों का अलग अलग दावा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहे अलग अलग मामलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी संपत्ति भगवान विश्वेश्वर की है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस जगह पर जबरन कब्जा किया था। अदालत के सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने गलत बताया, वहीं हिंदू पक्ष ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में अदालत के आदेश के तहत किए गए सर्वे के दौरान एक पत्थर मिला था जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा था, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की, वहीं हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में देवी श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में है। इस मामले पर अहम सुनवाई होनी है। ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी की अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गई जिनमें दावा किया गया कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। क्या है ज्ञानवापी मामला, ये भी समझिए। साल 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा की अनुमति मांगी थी। इस याचिका में पुजारियों ने दावा किया कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को गिराकर यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ये मामला दोबारा कब खुला? एक स्थानीय वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। उन्होंने मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए सर्वे कराने की भी मांग की है। वकील विजय शंकर रस्तोगी ने यह याचिका दिसंबर 2019 में उस समय दाखिल की जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आने के बाद ये याचिका दाखिल की गई थी। अप्रैल 2021 में वाराणसी की स्थानीय अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने और उसकी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने रस्तोगी की याचिका के विरोध में कोर्ट में दलीलें दी और उन्होंने मस्जिद में किसी तरह के सर्वे कराए जाने के अदालत के फैसले का विरोध किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया। मामला वाराणसी की स्थानीय अदालत से निकलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की और एएसआई द्वारा सर्वे किए जाने पर अंतिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कोई भी धार्मिक क्षेत्र में 15 अगस्त 1947 को जैसा था उसके अलावा उसका रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा वो भी आपको समझा रहे हैं। मार्च 2021 में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता की जांच के लिए तैयार हो गई। क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए आंदोलन के दौरान ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे को भी उठाया था। उनका कहना था कि तीनों मस्जिदें हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाई गई हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं। दिल्ली की 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर मौजूदा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए इजाजत मांगते हुए एक याचिका दायर की है। अदालत ने कमेटी का निर्माण किया और ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की वीडियोग्राफी कराके इसकी रिपोर्ट 10 मई तक दाखिल करने को कहा था। मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच सर्वेक्षण को रोक दिया गया जिसमें दावा किया गया कि अदालत से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को परिसर में शूटिंग का अधिकार नहीं है। कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग की। अदालत ने 12 मई को सुनवाई के दौरान कमेटी से सर्वेक्षण जारी रखने को कहा और 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वेक्षण कमेटी ने ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के 2 बेसमेंट में सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य 14 अप्रैल को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा किया। दिल्ली की महिलाओं ने याचिका पर जिला न्यायाधीश एके विश्वेश फैसला सुनाया है और उनकी याचिका पर सुनवाई होनी भी चाहिए या रद्द कर दी जाए, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब मामला जो है यानी कि फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। इस फैसले को लेकर लगातार लोगों की आस बनी हुई है। ये शिवलिंग है, ये फव्वारा, इसको लेकर
हिंदू पक्ष अलग दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अलग दावे कर रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी सटीक फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब अगली सुनवाई होगी, जो तारीख अगली दी है, उस पर फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि फैसला आज ही आना था, लेकिन एक बार फिर से तारीख दे दी गई है तो दोबारा से सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर कह रहा है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कि ये कोई शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। लेकिन हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर का एक हिस्सा तोड़ दिया था, मस्जिद का निर्माण कराया था, तो यहाँ पर कोई फव्वारा नहीं है, यहाँ पर मंदिर था और वो गौरी पूजा के लिए महिलाएं लगातार ये मांग कर रही हैं कि यहाँ पर उन्हें अधिकार मिलना चाहिए कि वो गौरी श्रृंगार पूजा कर सके। तो फिलहाल इंतजार का है कि अगले सुनवाई में किस तरह का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल फिर इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।